कि पूरे गुर्जर समाज को और ख़ास करके युवा वर्ग को, जो युवा गुर्जर है जो इतिहास के लिए लड़ रहे हैं, मीर बोधजी के लिए लड़ रहे हैं, पृथ्वीराज जी चौहान गुर्जर सम्राट के लिए लड़ रहे हैं, सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, गुजरो कभी भी इस समाज के लागे मत आना, कभी भी मत लड़ने समाज के लिए, कभी भी ये मत सोचना कि समाज के लिए आप लड़ोगे और समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, कभी भी मत आना भाई भाई लोगों, क्योंकि सुनने में आया है कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है समाज ने और प्रशासन ने मिलकर। अब मुकदमा इसलिए दर्ज करवाया है क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैंने काले झंडे दिखाए, या फिर मैंने बोतलें फेंकी, या फिर हमने चप्पल जूते उछाले। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम पे मुकदमे क्यों दर्ज कराए, किस लिए दर्ज कराया आप लोगों ने हम पे मुकदमे? क्योंकि हम 2 दिन से गुजर सम्राट मीर बोध जी का झंडा लहरा रहे थे, इसलिए 2 दिन से पूरे अजमेर के गुजर समाज को और समस्त गुजर समाज जो वहाँ मौजूद था उसको पता है कि हमने वहाँ पे गुजर सम्राट मीर बोध जी के झंडे लहराए हैं। इसमें क्या गलत किया? किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई क्या? किसी को दिक्कत हो रही है क्या गुजर सम्राट मीर बोध जी के झंडे से? हमको 2 बार रोका गया, बहुत बार कहा गया कि झंडे को नीचे कर लो, लेकिन मतलब झंडे से क्या दिक्कत है यार, मीर बोध जी से क्या दिक्कत है? और क्यों हम पे मुकदमा दर्ज करवाया? क्योंकि हम कर्नल साहब जी को पूछते हैं, हम भगवान मानते कर्नल साहब जी को, उनके अस्थि विसर्जन प्रोग्राम के अंदर जब कुछ लोग उत्पात मचा रहे थे और हम उनको छुड़ा रहे थे, हम स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, सारे वीडियो के अंदर आप समझ जाओगे हमने अगर मैंने अगर कहीं पे भी उत्पात मचाने की कोशिश की या फिर ऐसा कुछ कृत्य किया है जिससे समाज की या कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो, तो आप हमको बताओ कि भाई तुम्हारी यह गलती है ना। तो किसी के पास भी अगर कोई वीडियो हो ऐसा जो जिसमें बताता हो कि भाई हमने जूते, हम मेरे हाथ में जूता भी था, चप्पल था, काला झंडा था, कुछ भी था, तो मैं उसी दिन आके उस दिन आपके आगे आके मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, आप हमको गिरफ्तार करके ले जाइए। और क्या नेतृत्व किया, कौन सी भीड़ का नेतृत्व किया ये तो बताओ? 3 जन आए थे, 3 जने साथ में मेरे, 3 जने थे, 3 जने कौन सा नेतृत्व होता है, कौन सी भीड़ थी? हाँ, या फिर क्यों हमको फंसा रहे हो ये तो बताओ। हमने संघर्ष जब हम वहां गए थे, गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मुद्दे को लेकर साल भर से अजमेर में आवाज उठा रहे हैं हम, प्रशासन इस चीज की जो दुश्मनी है ना, प्रशासन वो निकाल रहे हैं हमसे, सारे अधिकारियों को हमसे दिक्कत इसलिए है, मुझसे दिक्कत, सिर्फ मुझसे विक्की गुजर से दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैं पृथ्वीराज चौहान जी का, देवनारायण जी का मुद्दा उठा रहा हूँ। संघर्ष समिति से मिला हमने ये मांग की, हम सब ने संघर्ष समिति के सामने और सभी लोगों के सामने ये मांग की कि धर्मेंद्र राठौड़ को नहीं बुलाया जाना चाहिए आरटीडीसी चेयरमैन को। क्यों उन्होंने देवनारायण जी को राजपूत लिखा है? क्यों, किस बेसिस पे लिखा है अपने राजपूत देवनारायण जी को? और अगर समाज के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले ऐसे लोगों को अगर आप बुलाओगे, अगर समाज के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को अगर आप मुख्य अतिथि बुलाओगे तो हम जरूर विरोध करेंगे। हम विरोध करने के लिए ही आए थे और धर्मेंद्र राठौड़ का विरोध करने के लिए ही आए थे, ये मैं साफ बोल रहा हूँ। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ जी को जब मंच पर भाषण ही देने गया तो हमने तो विरोध ही नहीं किया ना, विरोध कहाँ किया हमने ये बताओ। आप एक भी वीडियो या कहीं पर भी कुछ भी निकाल के बता दो कि भाई आपने यहाँ पे विरोध किया, हमने किसी का विरोध नहीं किया अभी तक। भैया देवनारायण जी के इतिहास के लिए लड़ रहे हैं, घर छोड़ा है, अपनी नौकरी छोड़ी है, त्याग दिया है इस जीवन का, सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं दे रहा हूँ, ना किसी राजनीतिक पार्टी से आते, ना बीजेपी से आते, ना कांग्रेस से आते, ना हमको किसी से मतलब है, दोनों पार्टी से ऑफर है लेकिन हमने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, कोई भी पार्टी में आज तक नहीं घुसे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुर्जर शब्द के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ताकि आप लोग फकर से खुद के नाम के आगे गुर्जर लगा सको, हमारे इतिहास के लिए लड़ रहे हैं। अब ये तो बताओ हमने कहाँ जूता फेंका, कहाँ हमने काले झंडे दिखाए ये बताओ मेरे को, कहाँ काले झंडे दिखाए, कहाँ जूता फेंका? हाँ, कौन सा क्या खराबा किया हमको तो ये बताओ, कौन सा माहौल खराब किया मैंने?
और किस बेसिस पे आपने हमको पुलिस में पकड़वाया? आपको हमसे दिक्कत है क्या? हम इतिहास के लड़ रहे हैं तो इसलिए आप हमको फंसाना चाह रहे हो? एडवोकेट अत्तर सिंह गुर्जर, उसने हाथापाई करने की कोशिश की, बाल खींचने की कोशिश की, और उसने गाली दी और जान से मारने की धमकी दी है मेरे को। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, या किसी का भी मैंने क्या बिगाड़ा ये बताओ मेरे को। क्या खराबा किया हमने किसी का? क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को हमसे? सबूत बताओ ना, हमने क्या क्या खराबा किया? और इतिहास के लिए लड़ना खराब है तो भैया आज डाल दो जेल के अंदर, भले मृत्यु की सजा दे दो, मरने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पूर्वजों का बलिदान कभी भी जाया नहीं होने देंगे। जान दे देंगे इसके लिए, लेकिन जाया नहीं होने देंगे। हमने पूरा जीवन दिया है इस इतिहास के लिए। जब पृथ्वीराज जी चौहान का मुद्दा हुआ था ना, नौकरी छोड़ के आया हूँ बिना सैलरी के। जो मेरे साथ वाले लोग हैं सब जानते हैं, मैं बताना नहीं चाहता समाज को मैंने क्या क्या कितना किया। आज तक मैं कभी लाइव नहीं आया, ना मैं किसी को बताना चाहता हूँ मैंने क्या संघर्ष किया है। लेकिन इतने घटिया लोग जब समाज में हो जाते हैं ना, जब हम जैसों के ऊपर उंगली उठाने लग रहे हो, जब हम जैसे लोग जो समाज के लिए संन्यास लेके बैठा है, अब हम पे उंगली उठाने लग रहे हो ना, तो भैया देवनारायण जी भी कभी माफ नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ऊपर वाला तो देख रहा है, देवनारायण जी तो देख रहे हैं, खाना बदोश जीवन जी रहे हैं, घूम घूम के दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से गुजर समाज के लिए इतिहास का पूरा हम सर्वे कर रहे हैं और इतिहास निकाल रहे हैं, हम गुजर समाज के इतिहास को बचा रहे हैं, और आप हमारे ऊपर ही मुकदमे लगाने के, हमको अंदर डलवाने की कोशिश कर रहे हो। शर्म तो कर लो यार। विजय वैसला जी, आप तो समझदार हो, हम तो आपके पिताजी को भगवान मानते हैं, और आप जो प्रोग्राम कर रहे हो, हम तो उसको भी सर आंखों पर रख के चल रहे थे। आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी हमने कोई दिक्कत की हो तो बताओ, लेकिन आप किस बेसिस पे आपके लोग हमारे बाल खींच रहे हैं हमको, तो ये बता दीजिए। क्या गलत किया हमने भैया? गिने चुने लोग हैं, 5-10 जने हैं पूरे भारत के अंदर जो इतिहास के लिए काम कर रहे हैं, और राजस्थान में शायद विरले 2 या 3 बंदे होंगे जो काम कर रहे हैं इतिहास के लिए। क्या चाहते हो आप लोग, हम भी काम करना बंद कर दें? आज आपने अपनी सभा में, जिस कर्नल साहब के लिए हम आपकी सभा में आए थे, जिन कर्नल साहब जी की सभा में हम भगवान मान के आए थे, कर्नल साहब जी की सभा में जा रहे हैं, वहां पे हम जैसे आम आदमियों पे आप मुकदमा दर्ज करवा रहे हो, कल को आपकी सभा में कौन आएगा? आप इस तरह से हर गुजर समाज के युवाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कराओगे तो कौन आएगा आपकी सभाओं में, अगली सभा में कौन आएगा ये बताओ मेरे को। तो गलती क्या है हमारी ये बता दो, हमने क्या गलती की? एक भी वीडियो निकाल दो, प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, वीडियो दिखाओ मेरे को, कहाँ पे कौन सा वीडियो है कि हमने कुछ गलत कृत्य किया हो। तो हमको जो पुलिस वाले थे, जो पृथ्वीराज चौहान मुद्दे में थे, उन्होंने धमकी दी है, जो पुष्कर में पुलिस वाले लगे हुए हैं उन्होंने धमकी दी है, बोले कि तू वही था ना पृथ्वीराज चौहान वाला, बहुत उछल रहा था ना अपने पृथ्वीराज पृथ्वीराज करके, अभी तक वो बताता हूँ तेरे पर लगवा तो मुकदमा। वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं प्रशासन वाले, और तुम समाज वाले तुम हमसे गद्दारी कर रहे हो यार, थोड़ी तो शर्म कर लो भैया। ज्यादा दिक्कत होगी ना भैया, मैं तो साफ बात बोल रहा हूँ, हम खुद गिरफ्तारी दे देंगे, और आज के बाद गुजर समाज के लिए कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। आज के बाद गुजर समाज के लिए हमने जितना कर लिया ना भैया, हम हाथ जोड़ लेते हैं, हमको नहीं चाहिए इतिहास यार, देख लिया हमने गुजर समाज कितना अच्छा है, लेकिन इस तरीके से अगर काम चलेगा ना तो भैया हम तो हाथ जोड़ रखे, हम कभी भी समाज के लिए आगे नहीं आएंगे। हम इससे बढ़िया हमारे जीवन जियेंगे ना यार, हम नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, बढ़िया ऐश वाली लाइफ जियेंगे ना। बहुत गलत किया भैया, हम पे मुकदमा लगवाया ना भैया, मैं अंदर जिस दिन अंदर जाऊंगा ना, मैं पुलिस के अंदर, मैं खुद जिस दिन गिरफ्तारी दे दी ना मैंने, भैया वापस बाहर नहीं आऊंगा, मेरे को जमानत मत करवाना समाज वालों, पहले बोल रहा हूँ, अंदर जाऊंगा भूख हड़ताल में बैठूंगा और आम मरण अनशन पे बैठूंगा। मेरा देवनारायण जी जानता है और मेरा दिल जानता है, अगर मैं सच्चा हूं ना तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये वीडियो जितना हो सके आगे से आगे वायरल करो, ताकि कर्नल बैसला जी के सुपुत्र विजय बैसला जी को पता चले कि आपने किन पे मुकदमा दर्ज करवाया है। एक और अजमेर की धरात पे जाके पूछना लोगों से, विक्की गुजर कौन है भैया, विक्की गुजर ने क्या किया है? आपके पृथ्वीराज जी चौहान को जो
आपका खोया हुआ जो स्वाभिमान था ना, वो हमने लौटाया है भैया। आपको पता है हमने क्या किया है? आप राजनीतिक क्षेत्र सुना तो, अरे सारी बात मलिंगा ना के ध्यान पूरो रख जो, अरे कद मोखो देवली सरकार गोपाल भाई बसी तो कब मोखो देवली सरकार गोपाल भाई बसी तो। कर्नल की खद को फूच जा तो मांडल माई, अरे ले जा तो जब गुजरा ने पाड़ो मांड तो आई, अरे मारी गुजर जाती थे।